हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे दो का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ टू। दो का स्क्वायर रूट निकालना है या एक डिजिट है, तो इसके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक बना हुआ है। देखो, जब हमें दो का बनाना है तो ऐसे एक हमने बना देना है, तो यहां दो लिख देना है, ठीक है जी। और यहां हमने रफ वर्क बना देना है, रफ वर्क। अब देखो कि एक तो हमें डिवीजन है, डिवाइड करना है हमने। किसी भी अंक को उसी अंक के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, इसके दो को उसके ऊपर डिवाइड करना है। जैसे एक इंटू एक, एक होता है, दो इंटू टू, टू के साथ टू है, फोर है। अब फोर से ज्यादा है तो एक को हमने एक के साथ गुना किया, एक आया, तो यहां लिख दिया एक। तो ये किसके ऊपर गया, एक के ऊपर है, वन इंटू वन। तो हमने टू को डिवाइड किया एक के साथ, ओके। तो सेम नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर इस अंक को डिवाइड करते हैं। तो दो में से एक गया, एक आ गया। अब यहां से हमने पॉइंट ले लिया, यहां भी पॉइंट डाल दिया, डबल जीरो ले लिया हमने। दो दो के जुट लेते जाते हैं, जितने मर्जी ले लो आप। ये एक जुट है, ये एक जुट है, ये एक जुट है। अब देखते हैं कि यहां से हमने सौ ले लिया। अब एक को डबल कर देना है, एक को डबल, एक जमा एक, ये आ गया दो। यहां हमने दो लिख देना है। अब देखो, टू है ना, टू के आगे कोई एक अंक लेना है और उसको उसी अंक के साथ गुना करना है। जैसे मैंने दो के आगे एक डाला और उसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया, 21 हो जाते हैं। अभी 100 ज्यादा है तो मैंने दो के आगे एक राइट तरफ दो डाला, दो के साथ मल्टीप्लाई किया, दो दुनी चार, दो दुनी चार, अभी भी 100 ज्यादा है। फिर मैंने दो के आगे तीन रखा और तीन के साथ गुना किया, तीन तीन नौ और तीन दूनी छह, अभी भी 100 ज्यादा है 69 से। तो मैंने दो के आगे चार रखा, चार के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर इंटू फोर 16 हासिल, वन चार इंटू टू एट 96 आ गया, अभी भी 100 ज्यादा है। इसके ऊपर फाइव के ऊपर करके देखता हूं, टू को मल्टीप्लाई किया फाइव के साथ, 5 टू 5 25 और 5 टू 2 10 12, 125 ज्यादा हो गया है 100 से। अब इसको हमने जो डिवाइड किया 96 से ऊपर जाएगा, यानी 4 यहां हमने डाला और यहां हमने इसको 96 लिख दिया, यहां हमने 4 डाल दिया, ओके। अब 100 में से 96 गए, ये 4 आ गया, ऊपर से हमने एक जुट और ले लिया। अब देखते हैं, ये 1 4 है, इसका जमा कर देते हैं 1 4 ऊपर वाले को, और ये आपका आ गया 8 28, हमने यहां लिख दिया। अब 28 के आगे कुछ अंक लगाएंगे, उसके साथ गुना करके ये देखेंगे कि 400 से ज्यादा कम आए या 400 आए। तो ये देखते हैं, हम 281 लिख दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 281 आ गया, नहीं जाएगा, अभी 400 ज्यादा है। फिर मैंने 400 हमने डाला, 282 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 4 2 8 16 हासिल, 1 2 2 4 4 5, ये ज्यादा हो गया है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर, ये 281 आ गया, ये 1 के ऊपर गया। और 10 में से 1 गया, 9 9 में से 8 गए, एक तीन में से दो गया, एक 119 आ गया, दो जीरो हमने और निकाल दी, और 141 जो था, 141 जमा 141 कर दिया हमने, 282 और 282 यहां लिख दिया। अब इसके आगे एक अंक हमने लिखेंगे, जस्ट मैं इसको मिटा रहा हूं, रफ वर्क, यहां कुछ और कहते हैं रफ वर्क।
डेसिमल के 3 अंकों तक हमने लेके जाना है। 282 के आगे एक डाला, एक के साथ मल्टीप्लाई किया, 2821 आ गया, 2821 है, 11900 ज्यादा है। 2822 के ऊपर हमने भेज के देखते हैं, 2 × 4, 2 × 4, 8 × 16, 2 × 4 = 5, अभी भी ज्यादा है। 2823 के ऊपर भेजते हैं इसको, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6 आ गया, 8 × 3 = 24, 2 आ गया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8 आ गया, अभी भी ज्यादा है। 4 के ऊपर करके देखते हैं, 282 ये 4 के ऊपर 16, 1, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 9 × 4 = 8, 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 × 8 8 × 3 = 11, 11296। अब ये इसके ऊपर जा सकता है क्योंकि इसके आगे भेजेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 25, 10, 12, 1 and 14, 41, 10, 10, 10, 14,125, which is more than this, so it will goes to 4, ये जाएगा 11296 के ऊपर, बाकी rest balance रह जाएगा। हमारा जो answer है, ये हमारा आंसर आएगा 2 का स्क्वायर रूट 1.414 है। ओके, थैंक यू वेरी मच।